हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीआईपी टॉपर क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गणतंत्र दिवस का निबंध। गणतंत्र दिवस आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं, 26 जनवरी को मनाया जाता है। लेकिन जब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि गणतंत्र दिवस का निबंध 300 शब्दों में लिखें या 200 शब्दों में लिखें, तो आप अच्छे तरीके से नहीं लिख पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि किस तरीके से गणतंत्र दिवस का निबंध 250 से 300 शब्दों में लिखा जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गणतंत्र दिवस, तो जब भी आप कोई निबंध लिखें उसमें सबसे पहले रूपरेखा जरूर लिखें, जिससे कि आप क्या लिखने वाले हैं ये एग्जामिनर के सामने अच्छी तरीके से प्रकट हो जाए, है ना। तो रूपरेखा में आप पहले लिखेंगे प्रस्तावना, दूसरा पॉइंट लिखेंगे भारत के संविधान का इतिहास, थर्ड पॉइंट है गणतंत्र दिवस कैसे मनाया जाता है, फोर्थ है गणतंत्र दिवस में स्कूलों में समारोह, फिफ्थ है राजपथ नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह, सिक्स्थ है गणतंत्र दिवस का महत्व, और सेवेंथ है निष्कर्ष या उपसंहार। ठीक है, तो इस तरीके से आप रूपरेखा लिखकर निबंध को आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद आप लिखेंगे कविता या स्लोगन के रूप में दो लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने स्लोगन कविता के रूप में लिखा है, संविधान से ही भारत बना गणतंत्र, इससे ही है हर नागरिक स्वतंत्र। ठीक है, अब देखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम लिखेंगे भारत में हर साल 26 जनवरी के दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आप सभी को पता है। अब इसमें लिखेंगे क्योंकि इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था, यह दिन भारत के राष्ट्रीय त्योहारों में से एक है। इस दिन को भारत के लोग हर साल बहुत खुशी और उत्साह के साथ मनाते हैं। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा लंबे समय तक संघर्ष करने के बाद 15 अगस्त सन 1947 को हमारा भारत देश आजाद हो गया। आजाद होने के 2.5 साल बाद भारत सरकार ने अपना संविधान लागू किया और 26 जनवरी 1950 को भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया। ठीक है, ये आपने सोशल साइंस में पढ़ा भी होगा। इसके बाद से ही 26 जनवरी के दिन को भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके नीचे आप स्लोगन के रूप में लिखेंगे सभी धर्म एक हो जाएं, खुशी खुशी गणतंत्र दिवस मनाएं। इस तरीके से जब आप अपने एग्जाम में लिखते हैं तो एग्जामिनर के सामने आपकी जो लेखन शैली है बहुत अच्छी प्रकट होती है। आप हमेशा निबंधों को इस तरीके से लिखें जिससे कि बाकी लोगों से हटकर आपका निबंध दिखे और आपको पूरे नंबर जरूर मिले। अब देखेंगे हम सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है भारत के संविधान का इतिहास। अब आप लोगों को पता है लेकिन इसको अच्छे तरीके से कैसे लिखें, चलिए देखते हैं। भारत देश 15 अगस्त सन 1947 को आजाद हुआ। इसके एक साल पहले यानी 9 दिसंबर 1946 को तय हुआ कि भारत का अपना संविधान होगा और इसके लिए एक संविधान सभा बनाई गई थी। इसके बाद 2 साल 11 महीने और 18 दिन तक चली मैराथन बैठकों के बाद संविधान बना। मैराथन बैठक मतलब निरंतर जो है बैठकें होती गई, संविधान की चर्चा होती गई और सन 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसे मंजूरी दी जो 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। इसी वजह से हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, इसमें आप लिखेंगे भारत देश का जो संविधान है वह हर भारतवासी का अभिमान है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है गणतंत्र दिवस कैसे मनाया जाता है। भारत में गणतंत्र दिवस के मौके पर भारतीय सेना द्वारा परेड का आयोजन किया जाता है जो कि आमतौर पर विजय चौक से शुरू होकर इंडिया गेट पर समाप्त होती है। यह आप लोगों ने देखा होगा गणतंत्र दिवस के दिन टीवी पर। और जो लोग वहां रहते हैं, हमारे इंडिया गेट दिल्ली के पास जो रहते हैं, वे यह देख सकते हैं, है ना। इस दिन भारतीय सशस्त्र बल सेना, नौसेना व वायुसेना राजपथ पर परेड करते हुए भारत के राष्ट्रपति को सलामी देते हैं। परेड में भारतीय सशस्त्र बलों की क्षमताओं को दिखाया जाता है जो देश के हथियारों और युद्ध का प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं।
इस शानदार प्रदर्शन के बाद प्रत्येक राज्य की संस्कृति और परंपराओं को प्रदर्शित करने वाली झांकी निकाली जाती है। गणतंत्र दिवस के मौके पर सभी स्कूलों कॉलेजों में भी परेड, ध्वजारोहण, भाषण प्रतियोगिता, नाटक और कई अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट देखेंगे, गणतंत्र दिवस में स्कूलों में समारोह। और आप लोग ये मत सोचिए कि ये किसी बुक से हमने लिखा हुआ है, किसी एक बुक का नहीं है। हम आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा कई बुक से पढ़कर छांट छांट के आपके लिए लिखकर लाते हैं, तो आप वीडियोस को जरूर पूरा देखें, है ना। तो देखते हैं फोर्थ पॉइंट, गणतंत्र दिवस में स्कूलों में समारोह। ये तो आप सभी जानते होंगे आपके स्कूलों में किस तरीके से समारोह होते हैं, बस वैसा ही यहाँ जमा कर लिखना है। तो लिखेंगे, गणतंत्र दिवस के खास अवसर पर स्कूलों में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। स्कूल के छात्र इन कार्यक्रमों में बड़े जोश और उत्साह के साथ भाग लेते हैं। आप लोगों ने भी गणतंत्र दिवस में भाग लिया होगा, है ना। इसके अलावा अन्य सभी शिक्षण संस्थानों में विभिन्न प्रतियोगिताएं जैसे निबंध लेखन, भाषण, ड्राइंग और पेंटिंग आदि आयोजित की जाती हैं। छात्र इस दिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को दिखाने वाले नाटक का हिस्सा भी बनते हैं। अब इसमें हम लिखेंगे, आओ इस दिन का मजा उठाएं, हम सब मिलकर गणतंत्र दिवस मनाएं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट है, राजपथ नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस का समारोह कैसे होता है। तो भारत सरकार हर साल राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में एक प्रमुख कार्यक्रम आयोजित करती है, जहां पर राष्ट्रपति द्वारा ध्वजारोहण कार्यक्रम, भारतीय सशस्त्र बल परेड और विभिन्न अन्य गतिविधियां इंडिया गेट के सामने आयोजित की जाती हैं। इस शानदार उत्सव को देखने के लिए लोग सुबह से ही राजपथ पर इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं। इस दिन भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा विजय चौक से तीन विंगों की एक परेड से शुरू होती है, जो देश की उन्नत युद्ध क्षमताओं को भी प्रदर्शित करती है। इस परेड में सभी रेजिमेंट के सैन्य बैंड, एनसीसी कैडेट और पूर्व सेना के लोग भी परेड में हिस्सा लेते हैं। अब सिक्स्थ पॉइंट है, गणतंत्र दिवस का महत्व। गणतंत्र दिवस उस दिन की याद दिलाता है जब हमारा संविधान लागू हुआ था। कोई भी भारतवासी इस दिन के महत्व को कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि यह वो दिन है जब हमारा भारत देश एक गणतंत्र बन गया था। हर साल गणतंत्र दिवस को भारत में और विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन देश में कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें लोग बहुत खुशी और उत्साह से भाग लेते हैं। इसमें आप लिखेंगे, देशभक्ति की अलख जगाएं, चलो हम सब गणतंत्र दिवस मनाएं। अब लास्ट पॉइंट है, निष्कर्ष या उपसंहार। इसमें आप लिखेंगे, गणतंत्र दिवस एक ऐसा त्योहार है जिसे हर भारतीय को धूमधाम से मनाना चाहिए और अपने देश के प्रति अपनी देशभक्ति दिखानी चाहिए। गणतंत्र दिवस केवल एक राष्ट्रीय त्योहार नहीं है, बल्कि यह भारत के लोकतंत्र और स्वतंत्रता का उत्सव है। इस दिन हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं और उनके असीम बलिदान के लिए उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं तथा उनका धन्यवाद करते हैं। ठीक है, इसमें आप लास्ट में लिखेंगे, चलो हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, शहीदों के आगे अपना सर झुकाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा वीडियो कम्प्लीट होता है। आशा है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल में अपना सपोर्ट बनाए रखें।